नमस्कार दोस्तों, छोटी चर्चा उपाय ज्योतिष खंड दो। जैसे पीछे चर्चा में हमने आप लोगों के साथ उपाय के ऊपर जो चर्चा आरंभ करी है, उसी का दूसरा खंड आप लोगों के साथ साझा करें। बीच में आने वाली अवांछनीय ध्वनियों के लिए, आवाज़ों के लिए क्षमा चाहेंगे। पिछले कक्षा में हमने केवल एक इसका संक्षिप्त परिचय दिया था कि उपाय क्यों, कैसे, कब, किस प्रकार से किए जाएंगे। जैसे बताया गया था कि तीन प्रकार के कर्म बंधन हैं। पहला वो कर्म बंधन जो दृढ़ मूल है, अर्थात गहरी जड़ों वाला है, जो हमारे साथ पूर्व जन्मों के साथ जुड़ा हुआ आता है। वैसे तो सारे के सारे कर्म ही पूर्व जन्मों के साथ जुड़े हुए आते हैं, किंतु उनके परिणाम कब, कैसे, किस प्रकार से मिलेंगे, महत्वपूर्ण ये हो जाता है। तो पहला दृढ़ मूल कर्म, आचार्य मिश्र के कथन अनुसार ये गहरी जड़ें पकड़े हुए हैं। किस प्रकार से ये पत्रिका के अंदर दिखाई देता है या बनता है, जब जन्म पत्रिका के अंदर पंचांगीय दोष, अब इसमें पंचांगीय दोष का अर्थ क्या है, पंचांग अर्थात जो पांच अंग हैं, तिथि, वार, योग, नक्षत्र, करण, किंतु साथ में एक इसमें छठा अंग भी है, इन सब के बाद एक जन्म पत्रिका का अर्थात लग्न पत्रिका का निर्माण होता है। जब हम कोई भी मुहूर्त बनाते हैं तो उस मुहूर्त के सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि क्या इस जन्म, इस समय पे इस प्रकार की घटनाएं किस प्रकार से कार्य करेंगी। जैसे कोई अच्छा दिन निर्धारित करते हैं, अच्छी तिथि निर्धारित करते हैं, अच्छा पक्ष निर्धारित करते हैं, और उसके बाद उपरांत लग्न शुद्धि की जाती है। तो जो दृढ़ मूल कर्म है हमारे, जो इस जीवन के अंदर हमें समस्याएं या सहायता दे सकते हैं, वो ऐसे हैं जो कि पंचांगीय दोष के कारण से बने हुए होते हैं। अर्थ तो पंचांगीय दोष क्या है, इसकी चर्चा मैं सर्व से अंत में करूँगा। प्रारंभ में ये समझ लेना चाहिए कि कर्म किस प्रकार के और उनके फल किस प्रकार है। दृढ़ मूल कर्म पंचांगीय दोष के कारण बनते हैं। अदृढ़ मूल कर्म अर्थात ये कैसे पता लगे कि हमें किस प्रकार से उपाय करना है। यदि दृढ़ मूल के उपाय करने हैं तो पंचांगीय दोषों के उपाय करने होंगे, यदि अदृढ़ मूल के उपाय करने होंगे तो ये दशा में परिलक्षित होते हैं, अर्थात छिद्र ग्रहों की दशा, क्रूर ग्रहों की दशा। ये अब हर व्यक्ति, ऐसा संभव नहीं है कि एक ही नक्षत्र में जन्म ले, यानी जहाँ से वर्तमान स्थिति में हम अश्वनी से नक्षत्रों की गणना आरंभ करते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हर व्यक्ति का जन्म अश्वनी नक्षत्र से ही अपनी दशा आरंभ करे, अर्थात केतु की दशा से उसका। किसी का अश्वनी में हुआ, किसी का भरणी में हुआ, किसका अश्वनी के चौथे चरण में भी हुआ होगा, अर्थात तो उसको दशाएँ अपने प्रकार से अपने पूर्व जन्मों के कर्म के कारण से मिलती कि अब इसको इस वर्तमान स्थिति में इस नक्षत्र के कारण से इतनी दशा इसको भोगनी पड़ेगी। तो अदृढ़ मूल पहला था, दृढ़ मूल दूसरा है, अदृढ़ मूल इनके परिणाम दशा में दिखाई देते हैं और इसी कारण से इनके दोषों का निवारण दशा के अनुसार करना चाहिए। अंत में आता है दृढ़ मूल, अर्थात ऐसे कर्म जो हैं तो सही लेकिन ये हमें केवल गोचर के कारण से हमारी पत्रिका के अंदर बनते हैं। जैसे कहा था कि शुभ ग्रहों पे से अशुभ ग्रहों का गोचर, क्रूर ग्रहों पे से शुभ ग्रहों का गोचर, शुभ ग्रहों पे से क्रूर ग्रह का गोचर, अरिष्ट स्थानों में से गोचर, ये गोचर के कारण आते हैं। अर्थात तीन प्रकार के कर्म हुए और उनके तीन प्रकार के उपाय करने से जन्म पत्रिका में दोष निवारण शांति अध्याय बनता है, या दोषों के लिए एक सुखद अनुभव बनता है कि इन दोषों से हमें मुक्ति किस प्रकार से मिलेगी। जैसा पहले बताया था, पहले कर्म के लिए तपस्या, अनुशासन, त्याग, उत्तम चरित्र निर्धारित करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसके लिए हम केवल पूजा, हवन पद्धति आदि से उसको समाप्त कर सकते हैं, उसके लिए निरंतर तपस्या चाहिए। तपस्या का अर्थ है तप, का अर्थ है तपना, अस्या अर्थात तप के जब बाहर व्यक्ति निकलता है, जिस प्रकार से स्वर्ण को जितना तपाया जाता है, सोने को जितना तपाया जाता है, वो उतना ही सुंदर बन के बाहर निकलता है। तो तपस्या के कारण से व्यक्ति के अपने, मान लीजिए उसके जीवन में बहुत ही इस प्रकार के योग बने हुए हैं जो उसको
बार बार समस्याएं लेके आ सकते हैं, तो तपस्या के कारण से। अनुशासन, जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है, तो जो पहले कर्म है उसके अंदर तपस्या, अनुशासन, त्याग और उत्तम चरित्र, अपना चरित्र भी बहुत ही उत्तम बनाना पड़ता है। त्याग की भावनाएं रखनी पड़ती हैं कि ऐसा मैं ऐसी भावना रखूं कि मैं त्याग भी सकूं किसी चीज़ों को। मोह रखेंगे तो वो कर्म जीवन से घटते नहीं है। दूसरा है अदृढ़ मूल, उसके लिए औषधियों का सेवन, भोजन का सेवन से उसके उपाय बनते हैं। अर्थात दशा में, अदृढ़ मूल दशा में ही आ रहे हैं, तो उसके लिए औषधियों के सेवन से और रत्नों के उपयुक्त मणि से, जैसे एक शुभ ग्रह शुभ स्थान में बैठा हुआ है तो उसके लिए शुभ रत्न का धारण किया जा सकता है। एक अशुभ ग्रह एक अशुभ स्थान में बैठा हुआ है तो उससे संबंधित रत्न का दान किया जा सकता है, और उसी से संबंधित, जिससे वो पीड़ा कम होती है, उससे संबंधित औषधि भोजन ग्रहण करके, दान देके आदि इत्यादि से वो कर्म बनता है। ये निर्धारित करता है कि कुंडली किस प्रकार से आपके सामने, जन्मांग कुंडली किस प्रकार से हमारे सामने आई हुई है। इसके उपरांत है दृढ़ मूल, जिसमें मंत्र से, मणि से, मणि अर्थात रत्न से, यज्ञ से, दान से इसके परिणाम जीवन में थोड़े से संतुलित किए जा सकते हैं। अर्थात उसमें मंत्र उपासना कर सकते हैं। मंत्र का अर्थ मूलतः परामर्श देना या परामर्श लेना है। उपासना का अर्थ उपासना ही है, जो पूरी निष्ठा से किसी के लिए उपासना की जाए। इसी प्रकार से इन तीनों के कर्मों के जो शुभ कर्म है उनको बढ़ाया जा सकता है, जो अशुभ कर्म है उनको नियंत्रित किया जा सकता है, क्षीण किया जा सकता है। समाप्त होने में थोड़ा ऐसा अभी तक अनुभवों में नहीं आया, वरना हर ज्योतिषी, हर ज्योतिषाचार्य अपने आप में एक बहुत बड़ी विराट हस्ती बन जाए जो जन्म पत्रिका को पूरा बदल के रख दे। हम आपके बेहतर भविष्य के लिए परामर्श दे सकते हैं, हम आपका भविष्य नहीं बदल सकते, मेरा ऐसा स्वयं का मानना है। अब यदि उपाय प्रारंभ, यहाँ से हमारा दूसरा खंड बनता है, यदि उपाय हमने करने हो तो किस प्रकार से करना चाहिए। जैसे कि किसी भी ग्रह की यदि पूजा करनी हो, किसी भी ग्रह की यदि पूजा करनी हो, उपासना करनी हो, स्तुति करनी हो, तो ना केवल उस ग्रह की अपितु उसके अधिदेवों की पूजा, उपासना, मंत्र अवश्य करने चाहिए, अन्यथा जो संपर्क सूत्र है वह अधूरा रह जाएगा। यानी यदि हमें सूर्य की उपासना करनी है, या सूर्य हमारे जन्मांग के अंदर उत्तम स्थिति में, बली स्थिति में और बल देना चाहते हैं, या निकृष्ट स्थिति में और उससे कोई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे कि कई बार ये देखा गया कि सप्तम स्थान में बैठा हुआ सूर्य दाम्पत्य में थोड़ा समस्याएं लेके आता है, तो यहाँ पे इसकी उपासना से इसको नियंत्रित किया जा सकता है, यहाँ मंत्र से इसकी शक्ति को नियंत्रित किया जा सकता है। ऐसा ना हो कि यहाँ पे हम इसका रत्न पहन लें तो और इसमें समस्याएं बनने लग जाएंगी। तो सूर्य से जब हम उपासना या सूर्य की शांति करेंगे तो सूर्य के अधिदेव की भी हमें उपासना करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, अन्यथा ये संपर्क सूत्र अधूरा रह जाएगा और लाभ जन्म पत्रिका करना। बहुत से लोग पूछते हैं हमने बहुत उपाय किया, इसका कोई परिणाम मिला नहीं। परिणाम जब भी हमारी पूरी चर्चा व्याख्या पूरी हो जाएगी आचार्य के आशीर्वाद से और गुरुओं के आशीर्वाद से, तो आप ये देखेंगे कि आपको उपाय के संबंधित कितनी यदि कोई भ्रांति है, या मैंने जो मैंने अपने आचार्यों से समझाया उसमें आपको कितनी सहायता मिलती है। तो यदि सूर्य की उपासना करें तो उसके अधिदेव की भी उपासना करें, अर्थात भगवान शिव की उपासना जरूर करें सूर्य के साथ साथ। यदि चंद्र उपासना करनी है, यानी चंद्र ग्रह से संबंधित उपाय दान आदि करने हैं, तो चंद्र के अधिदेव, मूलतः उसकी अधिदेवी हैं एक तरीके से, तो देवी की उपासना जरूर करनी चाहिए, माँ गौरी की उपासना जरूर करनी चाहिए, देवी भगवती की उपासना जरूर करनी चाहिए। इसी प्रकार से यदि मंगल ग्रह से संबंधित पूजा, उपासना, स्तुति करनी है तो उसके अधिदेव कार्तिकेय भगवान और गणपति जी महाराज हैं।
अब यहाँ पे एकदम से विचार बनेगा कि हम इसमें श्री हनुमान जी महाराज की उपासना क्यों ना करें। उसका कारण क्या है, मंगल सेनापति है और कार्तिकेय सेनापति ही हैं और गणपति को भी प्रथम पूजने का आ गया है, अर्थात किसी भी कार्य के लिए जो सर्वप्रथम पूजन होता है वो गणपति का किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे हनुमान जी महाराज की उपासना से अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्तिकेय पूजन एवं गणपति पूजन कहा गया है। इसके बाद आते हैं बुध। यदि बुध की ग्रह से संबंधित पूजा उपासना करनी होगी, स्तुति करनी होगी, तो साथ साथ श्री हरि विष्णु, भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि इत्यादि का, या एक प्रकार से समझिए उनके चरित्र को समझना। हम भगवान के चरित्र को समझ तो नहीं सकते, लेकिन उससे प्रेरणा लेके अपने अंदर कुछ बना सकते हैं। तो यदि बुध की उपासना करनी हो, स्तुति करनी हो, तो श्री विष्णु, श्री हरि विष्णु की उपासना परम आवश्यक है। इसके बाद आए गुरु, गुरु महाराज। गुरु महाराज की यदि उपासना करेंगे तो त्रिदेव की उपासना करना साथ ही साथ बहुत ही आवश्यकता है। त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश। गुरु वो है जो सर्जन भी कर देगा, गुरु वो है जो आपसे यदि रुष्ट हो गया तो आपका विध्वंस भी हो जाएगा, और गुरु वो भी है जो आपको संभाल के भी रख सकते हैं। अर्थात गुरु की यदि उपासना करनी हो तो त्रिदेव की उपासना, ब्रह्मा विष्णु महेश की उपासना भी बहुत अधिक आवश्यक है, अन्यथा संपर्क सूत्र टूट जाएगा। शुक्र ग्रह की उपासना करनी हो तो देवी की उपासना, माँ लक्ष्मी की उपासना। देवी चंद्रमा के अंदर भी है और देवी शुक्र के अंदर भी है। चंद्रमा में देवी गौरी है और शुक्र के अंदर देवी लक्ष्मी है, उन्हीं के भिन्न रूप हैं, तो शुक्र की भी उपासना परम आवश्यक बन जाती है। और यदि शनि की उपासना करनी हो तो फिर पुनः शिव उपासना करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे सूर्य की उपासना में भी शिव है और शनि की उपासना में भी शिव है, तो भेद क्या है, अंतर क्या है? शिव की उपासना में, सूर्य की उपासना में उस सूर्य का प्रतीक है, उस शिव का प्रतीक है जो ऊर्जावान है, जो परिवार के साथ है, और शनि की उपासना में उस शिव के रूप का ध्यान है जो स्वयं अपने आप में ध्यान मग्न है और एक मौन अवस्था में, ध्यान अवस्था में बैठे हैं। इस प्रकार से इन सभी ग्रहों के साथ साथ ये सभी उपासनाएं आदि देव की, अर्थात उनके जो देव हैं उनकी उपासना परम आवश्यक बन जाती है। फिर इसके उपरांत आते हैं दो छाया ग्रह। दो छाया ग्रह के एक ही संयुक्त उपासना की जाती है। राहु और केतु के लिए शिव का रुद्र रूप, श्री हनुमान जी महाराज का रूप, पंचमुखी रूप, भैरव द्वारपाल के रूप का पूजन करना परम आवश्यक है। आप इस प्रकार से समझिए कि आपने पत्राचार के लिए जो एक पत्र है उसके ऊपर पूरा संपर्क सूत्र लिखा, उनका एड्रेस लिखा, उस पर कहाँ निवास स्थान, कहाँ जाना है, पिन कोड क्या है, ये सब लिख दिया है, तो जो पत्र है वो बिल्कुल अपने सटीक स्थान पर जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर मैं आपको उपाय ज्योतिष, परिहार ज्योतिष के बारे में बहुत ही स्पष्ट व्याख्या जो आचार्यों के द्वारा मुझे प्राप्त हुई, मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। इसके उपरांत अगले खंड में हम ये बताएंगे कि यदि वो कौन से दोष हैं जो 18 दोष मैंने आपको कहे थे, वो कौन कौन से हैं, जिससे कि व्यक्ति जन्मांग देखे और उसको देख के ये पहचान सके कि ये 18 दोषों में से मेरे को कौन कौन से दोष मेरे जीवन में घट रहे हैं और इनको मैं कैसे संतुलित करूं। महत्वपूर्ण ये है कि क्रूर व अशुभ फल देने वाले ग्रहों का शांति पाठ। कोई भी व्यक्ति क्रूर अशुभ फल देने से मतलब सीधा मंगल शनि राहु केतु इनको सोचेगा, ये कतई शास्त्र के अनुसार तर्कसंगत नहीं है। यह अशुभ या क्रूर ग्रह का अर्थ है जो त्रिक भावों के स्वामी और जो समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं या जिनके कारण से समस्या आ रही है। अर्थात जन्म पत्रिका के अंदर पहले हमें यह निर्धारित करना है कि कौन कौन ग्रह, कौन किसकी उपासना आवश्यक है, किसकी स्तुति आवश्यक है और उसको किस प्रकार से करना है। जब हम उनको देख लेंगे कि शुभ ग्रह कौन से हैं, अशुभ ग्रह कौन से हैं, हर जन्म पत्रिका के अंदर क्रूर ग्रह भी शुभ हो सकते हैं और शुभ ग्रह भी क्रूर हो सकते हैं, जो नैसर्गिक शुभ और क्रूर ग्रह हैं। तो इसीलिए निर्धारित करने के बाद जो अशुभ फल देने वाले ग्रह हैं
उनकी उपासना सर्वप्रथम कृष्ण पक्ष से आरंभ करनी चाहिए। साथ यदि कृष्ण पक्ष में भी वो अष्टमी तिथि मिल जाए और भी परम उत्तम है, एवं यदि कृष्ण पक्ष के अंदर ये चतुर्दशी मिल जाए अर्थात अमावस्या से एक दिन पहले का, तो वो सर्वोत्तम है। उससे अपना उपाय का आरंभ करना चाहिए और परिणाम बहुत ही सुखद प्राप्त होते हैं। जैसे एक चिकित्सक किसी भी औषधि को लेने के नियम बताते हैं कि ये भोजन से इतने घंटे पहले लीजिएगा, ये भोजन के इतने अंतराल के बाद लीजिएगा, इसको तब लीजिएगा, उसी प्रकार से ग्रहों के भी अवधि, समय, ऋतु, सप्ताह, मास आदि निर्धारित हैं। अशुभ फल देने वाले ग्रहों की शांति स्तुति कृष्ण पक्ष में करनी चाहिए एक, कृष्ण पक्ष के अंदर अष्टमी पे करनी चाहिए दो, और विशेषतः चतुर्दशी के दिन करें तो बहुत ही सर्वोत्तम है। दूसरा खंड, मंगलवार को करें आरंभ, शनिवार को करें या रविवार को करें, और भी लाभदायक रहेगी। और थोड़ा सा गहराई में जाते हैं, सूक्ष्मता में जाते हैं, यदि भरणी नक्षत्र उदित है उस दिन करें तो और भी ज़्यादा लाभकारी रहेगी। ग्रहण काल में करें तो और भी ज़्यादा लाभकारी है, या जिस दिन व्यक्ति के जन्म नक्षत्र के ऊपर से चंद्रमा का गोचर, यानी मेरा आपका जो भी जन्म नक्षत्र है उसी दिन चंद्रमा का गोचर भी उसी नक्षत्र के ऊपर से होता है, तो वो नक्षत्र जागृत हो जाता है, और वो जागृत हो जाता है तो वो आपका स्वयं का और मेरा अपना नक्षत्र है। उस दिन से अगर पूजा उपासना स्तुति आरंभ करें तो और भी अधिक लाभकारी रहेगी। कभी कभी संभव नहीं होगा, ऐसी स्थितियां बनेंगी कि आज ही हमें कुछ करना है, यदि तृष्णा निद्रा शुदा ये आज है तो इसे ऐसा नहीं है कि भूख प्यास नींद आज लगी है तो कल सो लें, तो स्थिति के अनुसार भी उसको जल्दी भी किया जा सकता है। लेकिन मैंने कहा इसकी अधिक परिणाम किस प्रकार से प्राप्त होंगे, उसका कैसे प्रयोग करना है। इसके उपरांत सबसे अंत में आता है, यदि भद्रा लगी हुई हो तब करें, वृद्धि नामक योग उत्पन्न हो तब करें, व्यतिपात नामक योग उत्पन्न हो तब करें, क्रांति साम्य लगा हुआ हो तब करें, और संक्रांति काल हो तब करें। ये क्रूर ग्रहों के शांति फल के लिए शास्त्र हमें आदेश देता है। इस प्रकार से हम अपने जीवन के अंदर सुखद अनुभूतियों के लिए, सुखद परिणाम के लिए ज्योतिष जो हमें प्रदान कर रहा है, हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने, आचार्यों ने, मेरे परम आचार्य मिश्र जी ने, एवं विभिन्न आचार्यों को जिनके द्वारा मैंने ज्योतिष को समझा सीखा, उनके द्वारा जो मुझे प्रदान हुआ मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। धन्यवाद, छोटी चर्चा में आपने भाग लिया। आपका दिन, आपका समय, ईश्वर आपके ऊपर आशीर्वाद दे।